हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक महीने बाद वीडियो आ रही है, बहुत शर्म आ रही है शूट करते टाइम ही। बट यार देखो, रीज़न जेन्यून है। 15 दिन तो मैं खुद होम क्वारंटाइन था, 14 14 दिन था, और एक दिन ट्रैवल करता मैं, पहला दिन ट्रैवल, उसके बाद 14 दिन का होम क्वारंटाइन, एंड उसके बाद 15 दिन तो यार रत्नागिरी में लॉकडाउन लग गया था। तो फाइनली अभी थोड़ा टाइम मिला जब मैं अपने जो होम क्वारंटाइन जहाँ पे मैं था वो गेस्ट हाउस जैसी जगह थी, और वहाँ से मैं फिर वापस एक महीने बाद यहाँ पे अपने जो मेन घर है डिटेलिंग हेडक्वार्टर्स वाला, वहाँ पे आ गया हूँ। तो जिनको नहीं पता उनको पहले थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ कि भाई साहब, मैं मुंबई से रत्नागिरी अपनी राइड कर रहा था, और उस राइड के टाइम पे बाइक जो है उसमें इलेक्ट्रिकल फेलियर आया, और यहाँ पे आने के बाद बाइक तो भाई साहब कंप्लीटली पागल हो चुकी थी। क्योंकि सीन कुछ ऐसा था कि बाइक में इलेक्ट्रिकल फेलियर वायरिंग की जो रैड डैमेज होता है उसकी वजह से आ रहा था, और बाइक अपने ही आप चालू हो रही है क्या, सेल्फ क्या लग रहा है, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो रहा है। मेरे को टेंशन आया था इस बात का। नेक्स्ट डे भाई आया, भाई अपनी जो उसका स्टूडियो है यहाँ पे रत्नागिरी में डिटेलिंग स्टूडियो, तो उसके पास सब टूल्स वगैरह थे, तो वो लेके गया बाइक को, और उसने 2 3 दिन में बाइक को कम्प्लीटली फिक्स कर दिया। सो आर्या इज़ बैक, 3 दिन में आ गई थी। और जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या हुआ। तो सबसे बुरा इस बात का लगता है कि आप बाइक की बहुत केयर करते हो, एंड देर आर क्वाइट फ्यू थिंग्स जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता। मेरे पास एक वाटर प्रूफ कवर है बाइक के ऊपर चढ़ाने के लिए, जो डस्ट और बारिश से बाइक को प्रोटेक्ट करता है। अब वो जो कवर है वो इतना बड़ा है कि उसमें आप ट्रायम टाइगर को भी रख सकते हो। मैं वो R15 के लिए यूज़ करता हूँ। तो हुआ ये कि लॉकडाउन के टाइम पे किसी चूहे को लगा कि ये जो ड्राई स्पॉट मिल रहा है, क्योंकि पानी अंदर नहीं जाता कवर के, और गाड़ी को फेयरिंग बहुत अच्छा है, तो उसको तो लगा रहेगा भाई ये मस्त बंगला है यहाँ पे, अपने को इसके अंदर रहना है और मज़े करेंगे। अब लॉकडाउन में मैं बाइक का मेंटेनेंस के लिए हर हफ्ते जाता था, संडे को बाइक को थोड़ा चालू करता था, और पार्किंग लॉट में एक छोटा सा राउंड लेके वापस आके रख के कवर करके सेफली रख देता था। तो चूहा जब रह रहा था उसने वहाँ पे उसके खाने का स्टॉक, मतलब बादाम जो होता है पेड़ से गिरता है, वो इंजन हेड के पीछे इंजन के आजू बाजू में 3 4 बादाम ऐसे मस्त स्टोर करके दबा के रखे थे, और जो वायरिंग थी टाइम पास के लिए वो चबा के रख दी थी। अब राइड के टाइम पे क्या हो रहा था, जब तक वायरिंग मेरी ड्राई है बाइक की, इशू वैसे नहीं आएगा, बट समझ लीजिए अगर ज़ोरों से बारिश आ रही है और उस टाइम पे पानी का जो फ्लो होता है वो कौन सी भी वायर से कहीं से भी आ सकता है। अब R15 के अंदर डिज़ाइन फ्लॉ ये है कि उसकी जो रियर सीट है वो बहुत एक्सपोज्ड है, मतलब अगर आप साइड से पीछे से उसको देखेंगे तो आपको अंदर के जो कंपोनेंट्स है, जो डिब्बी होती है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वो विजिबल दिखेगी। अब पानी फॉर श्योर उसके वहाँ से ही अंदर गया, और जो वायर वहाँ पे चबा के रखी हुई थी उसमें लग गया, फिर कॉन्टैक्ट हुआ, और बाइक के ECU में, ECU मतलब क्या, बाइक का दिमाग, ब्रेन, तो उसने सिग्नल भेज दिया कि यार कुछ तो शॉर्ट है बाइक में, फ्यूज़ को ट्रिप कर दो वरना बाइक में आग लग जाएगी, और फ्यूज़ बार बार ट्रिप हो रहा था। अब इसमें आपको क्या करना है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि बाइक को ना वीकली बेसिस पे आप कर सकते हो, चलाओ, कोई इशू नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत श्योर हो कि आपकी पार्किंग या फिर जहाँ पे भी आप बाइक को रखते हो वहाँ पे चूहे नहीं है। मेरी पार्किंग लॉट जो है वो बहुत अच्छी है, पेवर ब्लॉक है, CCTV वगैरह सब लगाया हुआ है, बट लॉकडाउन में क्या हो रहा था कि जो कचरा निकालने वाले जो कर्मचारी होते हैं बिल्डिंग वाले, बाहर के नहीं, BMC के नहीं बोल रहा, जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस करते हैं, वो भी सिर्फ कचरा उठाने के लिए आ रहे थे, और जो पार्किंग स्पेस होता है उसका हाइजीन या फिर क्लीनलीनेस होता है ना, वो हो नहीं रहा था इस लॉकडाउन के टाइम पे। तो चूहे को गंदगी मिली, गंदगी में उसने अपना घर बना लिया, और फिर उसमें उसको सूखी जगह चाहिए थी, बारिश तब तक थी चालू मुंबई में। तो मेरा जो मस्त ऐसे कवर्ड वाली बाइक थी उसको लगा कि मस्त बंगला है, इसमें अपन रह लेंगे, ये चीज़ हुई। तो अगर आप
रैट रेपेलेंट जिसको बोलते हैं, मतलब एक जेल आता है, या फिर टोबैको का पैकेट भी अगर आप बाइक के अंदर रखते हो तो दैट विल कीप द रैट्स अवे फ्रॉम योर मोटरसाइकिल। अब इस टॉपिक में और एक बात आपको बतानी है कि जब मेरे को पता चला कि यार मेरी वायरिंग जो है बाइक की वो चूहे ने बहुत डैमेज कर दी है, एंड लकीली ABS सेंसर वगैरह की जो वायर है उसको डैमेज नहीं हुआ, आई एम थैंकफुल, क्योंकि अगर वो हो जाता तो खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा आता। और जब मेरे भाई ने मेरे को कॉल करके बताया कि देख ये फ़ोटोज़ है, मैं फ़ोटोज़ देख के पहली बात तो सोचा कि क्या है ये, मतलब बादाम इंजन हेड के पीछे कौन छुपा के रखता है भाई। तो नेक्स्ट डे मैंने यामाहा सर्विस सेंटर में कॉल किया, जस्ट आई हैड फ्यू क्वेश्चंस इन माय माइंड सेइंग दैट कि अगर ये वारंटी में वगैरह कवर होता है या नहीं, या फिर इंश्योरेंस में कवर होता है कि नहीं। तो उन्होंने यार बोला कि ये जो रैड डैमेज है ये आपका इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होगा और वारंटी का तो सवाल ही नहीं आता। तो मैंने बोला यार कि अगर इंश्योरेंस के लिए मैं इतने पैसे भर रहा हूँ फर्स्ट पार्टी लेने के लिए, और अगर ये जो चीज़ है ये ह्यूमन एरर ही बोल सकते हैं इसको, नॉट डायरेक्टली बट डायरेक्ट इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर इंसान हाइजीन रखेगा उसकी एरिया पे, चूहे वैसे ही पाल के कोई रखता नहीं है, वो नेचुरली ही आ जाते हैं वहाँ पे, रैट डैमेज कवर होना चाहिए। पर कोई रीज़न से किस गधे ने ये अप्रूवल दिया है कि रैट डैमेज उसमें कवर नहीं होगा, आई एम नॉट रियली श्योर, बट समझ लीजिए R15 का जो वायरिंग का पूरा है वो 4,500 रुपीज़ का आता है। और अगर आपके पास कोई सुपर बाइक है जिसके अंदर ये सेम इशू आता है तो आपका तो ज़्यादा खर्चा होने वाला है वहाँ पे, और उतना ही नहीं आपका जो इंस्टॉलेशन और सर्विस चार्ज रहेगा वो भी वहाँ पे बढ़ जाएगा। और एक चीज़ ये कि मैं खुद डर गया था कि अगर मेरा जो ECU का डब्बा है उसको अगर डैमेज हो गया है, वाटर डैमेज, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि ECU जो होता है बाइक का वो एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स में आता है, और 20-30,000 के आसपास का खर्चा इस पूरी वायरिंग और ECU के साथ होने वाला था। मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी, बट लकीली जो रैड डैमेज था वो इतना ज़्यादा नहीं था कि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो फेल हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसको प्रॉपरली स्लीव चढ़ा के वापस वाटर डैमेज नहीं जाना चाहिए, उस तरीके से भाई ने सेट किया और फिर बाइक चालू किया एंड वो हो गई। इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 1 month राइट नाउ एंड चीज़ें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। एक बात यहाँ पे है कि रिलायबिलिटी को लेके मैं यामाहा को यहाँ पे नहीं ब्लेम कर सकता क्योंकि बाइक के अंदर रैड डैमेज हुआ था, बट कंसिडरिंग इट फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, वी स्टे इन अ प्लेस कॉल्ड इंडिया, वायरिंग की बात जाने दो, बट पीछे की जो सीट है वहाँ पे पैनल गैप्स इतने ज़्यादा है कि पानी जो है वो आप नॉर्मली अगर वॉश भी करोगे बाइक को वहाँ पे जा सकता है, और सीट निकाल के वॉश करना इज़ नॉट एडवाइजेबल, यामा खुद बोलता है, बट वो गैप्स ही इतने हैं कि पानी वहाँ पे जाएगा। ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए जब आप प्रोडक्ट को एक फिट एंड फिनिश वाला अवतार दे रहे हो, क्योंकि जिन जिन के पास R15 V3 है अगर आप रियर सीट निकाल के देखेंगे वहाँ पे 3-4 छोटी छोटी डब्बियाँ हैं जहाँ पे फॉर श्योर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो बाइक के ब्रेन को सपोर्ट करेगा वैसा कुछ तो डेफिनेटली है। तो ये कुछ चीज़ें ही है जो पिछले कुछ टाइम से चल रही है लाइफ के अंदर, बट आई एम हैप्पी कि थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल। अब जब हम लोग राइड कर रहे थे, जब बाइक 2-3 बार बंद पड़ी, डैड फ्रस्ट्रेशन में आके बोल दिए थे कि पहली बात तू जो करेगा मुंबई जाने के बाद वो इस बाइक को बेचेगा, ठीक है, वो गुस्से में बोला होगा पता नहीं, बट R15 को मैं नहीं बेच रहा हूँ क्योंकि नहीं बेच सकता मैं, पता नहीं क्यों। अगर दूसरी बाइक भी कोई लेनी होगी जो मेरे को लॉन्ग राइड्स के लिए यूज़ करनी पड़ेगी तो देखेंगे, उसके लिए सेव करेंगे पैसे, कुछ ना कुछ जुगाड़ चलाएंगे, बट R15 तो मेरा जो गराज टाइप बोल सकता हूँ मैं, या फिर कलेक्शन बोल सकता हूँ, उसमें से डेफिनेटली नहीं जा रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ रत्नागिरी लाइट हाउस के अंदर, वहाँ पे जाके क्या होता है क्या करता हूँ मैं,
वो आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर. सो दैट्स वेरी मच इट अबाउट टुडेज व्लॉग. आई होप टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग. अप टिल देन दिस इज राइट अप साइनिंग ऑफ. राइट सेफ एंड एज ऑलवेज डोंट बी अ स्क्विड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ऑसम एंड कीप रेविंग. बाय बाय.